गई, ये अंदर डालते हैं बेसन। लेते हैं पकौड़ा फ्राई हो रहा अभी, इसको कढ़ी के ऊपर डालेंगे। मेथी और जीरा और जीरा और घी और मेथी इसको डालते हैं फ्राई होने देते हैं अच्छी तरह, इसको भी ऊपर से डाल देती हूँ। इसी के बाद ये तो मिर्च कट रही है, वहाँ से मैं तेल को फेंटा और बेसन को हटा के इसके साथ अब इसको पकने देंगे 10 मिनट तक। पकाते हैं 10-20 मिनट तक, क्योंकि कढ़ी का स्वाद तभी आएगा जब उसको अच्छी तरह पकाएंगे। कढ़ी में डालेंगे, ये पक गए हैं, जो इतनी ज़्यादा उबल रही है। अब इसको उबल लेते हैं 5-10 मिनट में, अच्छी तरह पकने देंगे इसको भी। पकते देखते पकते देखते कढ़ी उबल गई है, के अंदर डालेंगे हम पकौड़े, ये वाला पकौड़ा लौकी और प्याज के। चलो जी अब आ गए बारी पकौड़े डालने की, इसमें डाल दो पकौड़े और ये बन के तैयार हो गए हमारी कढ़ी की, आज की कढ़ी। इसमें मिर्च साबुत मिर्च डालें, आज बना दिया हमने कढ़ी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।